अगर तुम्हारे एग्जाम शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं तो प्रेशर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन बहुत होने लगेगा, खाना पीना सब भूल जाओगी और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही घूम रहा होगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि तुमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। एग्जाम में क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करे, क्या पढ़े और पढ़े तो कैसे पढ़े। तो दोस्तों मेरी एक बात मानो और तुम इस वीडियो को बस देखते जाओ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो बोलने वाला हूँ उसको कान खोल के सुनना। देखो यार, तुम एक मैच्योर इंसान हो, मतलब अगर बाकी स्टूडेंट्स की तरह तुम भी टेंशन ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो या सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि पता नहीं कैसा एग्जाम जाएगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, तो मेरे भाई अगर तुम एग्जाम से रिलेटेड ओवर थिंकिंग करने में अपना घंटों बर्बाद कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल एग्जाम की तरह भी तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम भी होंगी एकदम नॉर्मल। तो तुम ये सोचने में फालतू का टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि इससे आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाओगे। अब मैं नहीं जानता आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए या कितने दिन में स्टार्ट होंगे, बट जितने भी दिन बचे हैं उनमें ये तीन टिप्स जरूर फॉलो करना, आप बहुत बेस्ट मार्क्स स्कोर करोगे एग्जाम में। अब मैं नहीं जानता आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए या कितने दिन में स्टार्ट होंगे, लेकिन मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने एग्जाम से पहले इन सारी चीजों को फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। नंबर वन, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। आप जिस भी क्लास में हो, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, मैटर नहीं करता, अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको पूरी तरह रटना होगा। जी हाँ, आपको इससे ये फायदा होगा कि आपको पेपर का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से आप एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि आपके पास फोन है और नेट है, आप उनका यूज करिए, गूगल पे सर्च कीजिए। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड्स है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, अगर आपका स्टेट बोर्ड्स है तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, आपको वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। तो आप उनको डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा और किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इससे ये होगा कि आपकी एक हैबिट्स बनेगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, और फिर जो भी एग्जाम में आएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ से और किस सिलेबस से आया है, फिर आप उसे अच्छी तरह से कर पाओगे। सो एग्जाम में चाहे कितने भी दिन बचे हो, मैटर नहीं करता, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो मैटर नहीं करता, अगर सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया तो वही काफी है एक बेटर मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर ढूंढे। तो बढ़ते हैं दूसरे टिप्स की तरफ। नंबर टू, मेक टाइम टेबल। देखो एग्जाम चल रहे हैं या कुछ दिन बचे हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि टाइम ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। जब तक आप उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें एक टाइम टेबल की बहुत जरूरत पड़ती है, और जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे। और अपने आप से प्रॉमिस करो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये टाइम टेबल जरूर फॉलो करूंगा। उसके बाद आपको एग्जाम के सिलेबस पे ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग सारी तैयारी करना है, और अपने दिमाग में हमेशा एक बात याद रखना कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। खुद को याद दिलाना है कि जो है बस यही टाइम है, मुझे पूरा पेपर में जी जान लगा के पढ़ना है, यही सिलेबस फॉलो करना है, और वो तभी होगा जब आप टाइम टेबल बनाओगे। अपने 24 घंटे को डिवाइड कर दो कि मुझे कब पढ़ना है, कब सोना है, कब खाना है, कब खेलना है। इस तरह आप अपने माइंड के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो, तब आप देखोगे कि आप कितना जल्दी जल्दी अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हो। पॉइंट नंबर थर्ड, रिवीजन। एक बार आपने सिलेबस पूरा करने के बाद आपको रिवीजन ही करना चाहिए। रिवीजन से आपको आपकी कमियों का पता चलेगा, जिससे कि आप आगे की रणनीति तैयार कर पाएंगे कि आगे आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, कहाँ आप पढ़ रहे हो, कहाँ आप भूल रहे हो, ये सारा डाउट आपका रिवीजन से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देता हूँ, उसे भी जरूर फॉलो करना। पहला बोनस टिप्स है, आप जो भी पढ़े बिल्कुल क्लियर पढ़े। अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप उतना ही खाना खाए जितना कि आपको पच जाए, उसी तरह आप उतना ही पढ़े जितना कि आपके माइंड में रह सके, और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो उसे छोड़ दो, उसे बाद में पढ़ना, लेकिन जो चीजें आपके माइंड में आ रही है उसको पढ़ते जाओ और फिर उसको लिखते जाओ। इससे ये होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और एकदम क्लियर रहेंगी। नंबर टू, किसी भी टॉपिक को रटकर नहीं पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब 2 वीक बचे हैं, 1 महीना बचा है, इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रट लूंगा और फिर वही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले चीजों को समझना है, थोड़ा टाइम दे के आप उसे
से समझिए, फिर उस हिसाब के अकॉर्डिंग अगर मैथ्स है तो एग्जाम्पल वाले जितने क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके पहले जो सिलेबस है उसको पढ़िए और फिर क्वेश्चन को देखिए। इससे ये होगा कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और उस हेल्प से आप अपने आने वाले एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और हाँ, और लास्ट में यही बोलूंगा कि इस वीडियो को अपने एग्जाम वाले ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे और भी बच्चों का फायदा हो सके। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।